एक हफ्ते की नोटिस ने लाखों घरों में मचाई हड़बड़ी। एक तरफ मंत्री जितेंद्र आव्हाड़ तो दूसरी तरफ खासदार श्रीकांत शिंदे तीखे तेवर और आक्रोश में दे रहे हैं अपना अपना फरमान। इधर जितेंद्र आव्हाड़ ने कहा, झोपड़पट्टी में रहने वालों ने ठान लिया तो पूरे भारत की रेल बंद हो जाएगी। मैं फिरोज हाशमी, आप देख रहे प्रहार टाइम्स। आखिर कैसे बचेंगे लाखों घर, घरों में रहते कई लाखों लोग। चिंता दिन ब दिन सता रही है। पिछले 3 दशक से या यूं कहें 60 साल से रेलवे पटरी के अगल बगल में गरीब अपने आसियाने में रह रहे हैं। अब उनके ऊपर आफत मंडरा रही है। 7 दिन का वक्त रेलवे ने दिया था जिसमें से 6 दिन बीत गए हैं, लेकिन इस बीच लाखों झुग्गी झोपड़ियां बचाने के लिए कलवा मुमरा के आमदार व महाराष्ट्र के गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड़ सामने आए, तो दूसरी तरफ कल्याण लोकसभा के खासदार श्रीकांत शिंदे सामने आए। यहां तक ट्वीट पे ट्वीट करके लाखों घरों को बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं ताकि गरीबों के आसियाने उजड़ने से पहले उनका घर जो है बस जाए। रेलवे को चेतावनी भी दे रहे हैं। जितेंद्र आव्हाड़ ने कहा, केंद्र सरकार समान भूमिका निभाए, अन्यथा झोपड़पट्टी धारकों ने ठान लिया तो पूरे भारत की रेल बंद हो जाएगी। सवाल ही नहीं आता 7 दिन में घर खाली करने में। यार 70 साल आदमी घर में रहा, 70 साल सोई थी क्या रेलवे इतने दिन? ये रेलवे की मनमानी है, ये मनमानी है, इसे चलने नहीं देंगे। गरीबों के साथ ऐसा व्यवहार होगा तो चाहे कोई भी शहंशाह हो। श्रीकांत शिंदे ने कहा, पुनर्वसन के बिना झोपड़ों को हाथ भी नहीं लगाने दूंगा। सभी लोग आज डरे हुए हैं। हम लोग प्रतिनिधि हैं, लोगों ने हमें चुन के दिया है, हम लोग सबसे पहले खड़े रहेंगे। रेलवे राज्य मंत्री से भी मैंने बात की है, DRM से भी मेरी बात चालू है कि इसके अंदर से एक सोल्यूशन निकालो। सोल्यूशन निकालने के बाद ही जो कुछ आगे बात है वो हम करेंगे। एक तरफ जितेंद्र आव्हाड़ दिलासा दे रहे हैं लाखों झोपड़ा धारकों को, तो वहीं दूसरी तरफ श्रीकांत शिंदे दिलासा देने से पीछे नहीं हटे हैं। जितेंद्र आव्हाड़ ने शनिवार को आनंदवाड़ी क्षेत्र के झोपड़ा निवासियों से मुलाकात की। इसके पहले मुमरा कलवा व अन्य जगहों पर मुलाकात की थी। रेलवे द्वारा नोटिस दिए जाने के बाद निवासियों के साथ बातचीत करते हुए अपनी भूमिका स्पष्ट की और कहा कि भाजपा की देशवासियों को डराने की आदत है और केंद्र को समान भूमिका निभानी चाहिए और महाराष्ट्र में कानून को मंजूरी देकर सभी झोपड़ा धारकों को संरक्षित किया जाना चाहिए, वरना 10 झोपड़े धारकों ने ठान लिया तो पूरे भारत का रेल बंद हो जाएगा। गरीब जरूर हैं मगर लड़ने से पीछे नहीं हटेंगे। अब रेलवे को दिए नोटिस का समय सीमा खत्म होने को है। लोगों में चिंताएं बढ़ती दिखाई दे रही हैं। अभी तक रेलवे के तरफ से कोई संदेश नहीं आया है। इसी मुद्दे पर श्रीकांत शिंदे ने केंद्रीय रेल राज्य मंत्री राव साहब दानवे को पत्र लिखा था और रेलवे के DRM से भी मुलाकात की है, उनसे मांग की है पुनर्वास के बाद ही झोपड़े को खाली कराए। बहरहाल हमारी नज़र बनी रहेगी, आगे जो भी अपडेट आएंगे हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम्स।